सिक्स क्लास हम लोग अपना पहला मरहला कर चुके हैं, जिसमें हमने नजम हम नाद और मुतमा फातिमा जीना किया था। आज हम अपना दूसरा मरहला स्टार्ट करेंगे। हमने पहले मलकिया कोसार की रीडिंग की थी और इसका बुक वर्क किया था। आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर्स और अल्फाज जुमले सफीना उर्दू की बुक से देख के करने अपनी कॉपीज पे और इन्हें अच्छी तरह याद भी करना है। आज का हमारा मान है मलकिया कोसार मरी, इसका खुलासा करेंगे आज। मरी पंजाब का तारीखी मुकाम है, यानी यादगार मुकाम है मरी पंजाब का। ये जिला रावलपिंडी में शामिल है। ये रावलपिंडी से तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर वाकिया है, यानी रावलपिंडी से मरी जाने का रास्ता 1-1.5 घंटा लगता है। मुसाफत किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ अप्रैल से नवंबर तक अच्छा मौसम रहता है, अलबत्ता दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है। मरी में अप्रैल से नवंबर तक मौसम ठंडा रहता है, लेकिन दिसंबर से मार्च तक यहाँ पर शदीद सर्दी पड़ती है। ठीक है, मरी में सर्दियों की शाम बहुत खूबसूरत होती है। दिलफरेब खूबसूरत और दिलकश नज़ारों की वजह से मरी को मलकिया कोसार कहा जाता है। दिलकश किसे कहते हैं? जो चीज़ दिल को अच्छी लगे, दिल खींचे दिल को अपनी तरफ। ठीक है, नज़ारों मतलब मंजर, और मलकिया कोसार यानी पहाड़ों की मलका। मरी को पहाड़ों की मलका कहा जाता है उसके दिलकश नज़ारों की वजह से। मरी पाकिस्तान भर के पुरफजा पहाड़ी मुकामात में से नहायत मसरूफ और खूबसूरत सैरगाह है। सैरगाह का क्या मतलब है? सैर करने की जगह। मरी एक मरकजी सड़क के इर्द गिर्द है, जिसे माल रोड कहते हैं, यानी मरी जाते हुए जो सड़क लगती है उसे माल रोड कहते हैं। माल रोड पर सैकड़ों होटल हैं, यहाँ बाहर से आने वाले सयाह क्याम करते हैं। सयाह किसे कहते हैं? सैर करने वाले जो लोग आते हैं, क्याम मतलब ठहरते हैं उन होटल्स में जो माल रोड पे हैं। मरी के अलावा पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट और बागे शहीदान भी काबिले दीद मुकाम हैं। काबिले दीद यानी देखने के लायक मुकाम है पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट और बागे शहीदान। मरी आकर सयाह खालिक़े कायनात की पैदा करदा इन खूबसूरत निशानियों और दिल फरेब मनाजिर से अपने दिलों को लुभाते हैं। खालिक़े कायनात यानी कायनात को पैदा करने वाला हमारा खुदा। ठीक है, दिल फरेब दिल को जो अच्छी चीज़ लगती है। ये खुलासा आज हमने कर लिया, इसको आप लोगों ने नोटबुक्स पे वो भी करना है और अच्छी तरह याद भी कर लेना साथ।